दोस्तों, दिल्ली के दिल्ली रीच कहे जाने वाले इस घने जंगल में 400 साल से एक इच्छाधारी नागिन आज भी कैद है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर वह नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वह अपने बदले को पूरे किए बगैर चैन से नहीं रहती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिला। बताते हैं कि आज से 400 साल पहले राजेंद्र का पूरा परिवार, जिसमें राजेंद्र और उनके दो भाई तथा राजेंद्र के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली के दिल्ली रीच के नाम से जाने जाने वाले घने जंगल में अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने निकले, क्योंकि यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं। इस जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहां राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। नाग देखकर राजेंद्र और उसके दोस्त पहले तो डर गए, फिर पास ही पड़े पत्थर को उठाकर उसने उस नाग को मार डाला। राजेंद्र तो शाम होते ही अपने दोस्तों के घर चल दिया, परंतु उधर नागिन अपने नाग को ढूंढते हुए जब अपने मरे नाग के शरीर के पास पहुंची तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं कि नागिन मरे हुए नाग की आंख में देखकर उसके कातिलों का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग की आंखों में साफ साफ दिख रहे थे। धीरे धीरे कर नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया और राजेंद्र को भी उसने मौका देखकर मार दिया, पर उसके बदले की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को मार दिया। अपने दोनों बेटों की मौत पर राजेंद्र के माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि अब उनकी एक ही संतान बची थी और सांप के द्वारा उनके दोनों बेटों की मौत से वह यह तो समझ गए थे कि कोई सांप उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ही ख्याति में था, उसे कई वेद विद्याओं का भी ज्ञान थे। राजेंद्र के माँ बाप उस साधु के पास गए, अपने बेटे को ले गए और शंकर बाबा को पूरी बात बताई। तब बाबा ने अपने विद्या के द्वारा पता लगाया कर यह बताया कि तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने एक नाग को मारा था, अब उसकी नागिन तुम्हारे वंश को खत्म करने में तुली हुई है। अगर तुम अपने बेटे को नागिन से बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसके बाद वे उन्हें इस बरगद के पेड़ के पास ले गए जहां वह नागिन रहती थी। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा। खुद नागिन के इंतजार में पास की झाड़ियों में छुप गए, लेकिन जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने आई तो बाबा ने तुरंत गरुड़ मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को उस बरगद के पेड़ में ही कैद कर दिया। इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच पाई। कहते हैं कि आज भी वह नागिन इस बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली की इस जगह जिसे दिल्ली रीच कहते हैं, इस घने जंगल में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाज आती है। दिन हो या रात हो, कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।